हरदोई में सौतेले बच्चों को साथ रखने को लेकर विवाद के बाद पत्नी ने फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। इसके बाद पति ने भी ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। सुबह महिला की लाश घर में लटकी मिली तो रेलवे ट्रक पर उसके पति का शव मिला। घटना गांव कोरिया की है। गांव का मोहित रोडवेज बस चालक था। मोहित के परिवार वालों ने बताया कि 2 साल पहले मोहित की पहली पत्नी बीमारी से मर गई थी। अपनी पहली पत्नी से एक बेटा और बेटी सृष्टि है। तो वहीं मोहित ने गांव महेरपुर की अंजलि के साथ 2021 में दूसरी शादी की थी। शादी के कुछ दिनों तक अंजलि सौतेले बच्चों व पति के साथ आराम से रह रही थी, लेकिन 2 महीने पहले अंजलि ने दोनों बच्चों को अपने साथ रखने से इनकार कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।